सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी अभी जारी है। पुंज और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। वहीं पाक की फायरिंग में सेना के एक अधिकारी समेत चार जवान शहीद हो गए हैं, एक घायल भी बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार और छोटे हथियारों से हमला किया है। सेना के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं सीमा से लगे 84 स्कूलों को एहतियातन आज बंद करके रखा गया है। तो ये गोलीबारी अब भी जारी है, राजौरी सेक्टर के पास से गोलीबारी हो रही है। देखिए गांव वाले किस कदर डरे हुए हैं और सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार गोलीबारी हो रही है। पुंछ और राजौरी जिले में लगातार लोगों के ऊपर और आसपास के गांव के ऊपर मोर्टार दागे जा रहे हैं। गांव वाले दहशत में हैं कि आखिर क्या करें। पाक की फायरिंग में सेना की तरफ से एक कैप्टन और तीन जवान शहीद हो गए, एक घायल भी हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, एक तरह से एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब भी इसका दिया गया है और भारी नुकसान भी पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, जो भारतीय सेना ने जवाब दिया है। चार आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिसर और तीन जवान, उनका लॉस हुआ है, एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर, और काफी ज्यादा शेलिंग हुई है, इंटीरियर एरियाज भी अफेक्टेड हैं, और इसके चलते हमें शायद माइग्रेशन भी लोगों की वहां से इफेक्ट करनी पड़ेगी, इवैक्यूएट करके उनको उसकी जरूरत हम फील कर रहे हैं। और आइए आपको मानचित्र के जरिए दिखाते हैं कहां कहां पर यह फायरिंग हो रही है और कितने गांव इससे प्रभावित हो गए हैं। पुंज में फायरिंग हो रही है और राजौरी में फायरिंग हो रही है और यहां पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोर्टार दागे जा रहे हैं और छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। इलाकों में दहशत है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं एहतियातन, लेकिन फिलहाल भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान के साथ सटे गांवों में और कई चौकियों और बंकर्स को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त एक तरह से स्थिति जंग की है एलओसी में। यूनिस खालिक न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूनिस, अब तक अब ये अपडेट आ रहा है कि गोलीबारी हो रही है और जबरदस्त शेलिंग हो रही है, वहां से मोर्टार तक दागे जा रहे हैं और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक सीज फायर वायलेशन की बात है, सीज फायर वायलेशन जो है, एक दिन जो परसों का दिन था, परसों का दिन सीज फायर वायलेशन हुई थी, कल फिर से सीज फायर वायलेशन हुई है। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी एरियाज है राजौरी पुंछ एलओसी के पास, उन सभी एरियाज में जो है सेलिंग हो रही थी। अभी तक जो है इसमें दो सिविलियन के जख्मी होने की खबर है और जो हमारे जो चार फौजी है वो शहीद हुए हैं। हालांकि जो आर्मी जो है वो भी दावा कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी जो है अभी तक तस्दीक किसी ने नहीं की है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए यूनिस।